Hello and welcome to our channel. I'm your host, Dr. Sam, and today we are going to talk about female masturbation. Yes, आपने सही सुना, female masturbation. जब भी हस्तमैथुन की बात आती है तो ध्यान हमेशा पुरुष वर्ग की ओर जाता है, क्योंकि ये कॉमन सी बात है और अक्सर हमें लोगों से बातचीत करने में ये चीज़ सुनाई पड़ती है कि पुरुष हस्तमैथुन करते हैं या उन्हें हस्तमैथुन करना पसंद होता है, ठीक है, या वो आपस में भी इन चीज़ों को लेकर डिस्कस करते हैं अपनी वाइफ से, अपनी गर्लफ्रेंड से या फ्रेंड सर्किल में. बट महिलाएँ ऐसा नहीं करती. क्यों? क्योंकि उन्हें शर्म आती है, उन्हें लगता है कि शायद वो कोई गलत काम कर रही हैं, या उन्हें पता ही नहीं होता कि शायद बहुत सी महिलाएं, आई मीन 90% महिलाएं मैस्टर्बेट करती हैं मगर वो कभी शेयर नहीं करती, और ये कोई बुरी चीज़ नहीं है. तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं. हस्तमैथुन हम कब करते हैं? जनरली तब जब हमारे पास पुरुष पार्टनर नहीं होता है ना, या फिर हम शायद उनसे सेटिस्फाइड नहीं होते और हम अपने आप को खुद से एक्सप्लोर करना चाहते हैं. इसमें कोई बुरी बात नहीं है. मैस्टर्बेशन इज़ गुड फॉर अस, ये हमारे लिए अच्छा है. और हम जब भी बहुत स्ट्रेस फील करते हैं या हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारे पार्टनर से हमारी सेक्सुअल डिज़ायर पूरी नहीं हुई, वी कैन मैस्टर्बेट. आप मैस्टर्बेट कर सकते हैं, आप अपने क्लाइटोरिस को स्टिमुलेट कर सकते हैं. एंड येस, मैस्टर्बेशन के दौरान गुड हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, यू नो, हैप्पी केमिकल्स रिलीज होते हैं ब्रेन से, जिसे बोलते हैं एंडोर्फिन्स, और वो आपको खुशनुमा फीलिंग देता है एंड यू फील रिलैक्स्ड. आपका स्ट्रेस जो है वो दूर होता है. दिस नथिंग बैड इन इट, क्योंकि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी का वो भी काफ़ी इंक्रीज हो जाता है. तो इन अ वे इट हेल्प्स, ये आपकी अच्छी सेहत के लिए, आपकी अच्छी सेक्सुअल हेल्थ के लिए काफ़ी लाभदायक है. अब जैसा कि मैंने बताया कि इट इम्प्रूव्स योर सेक्सुअल प्लेजर, यू नो, ये आपकी सेक्स लाइफ में हेल्पफुल होता है. तो कैसे होता है? डेफिनेटली व्हेन यू मैस्टर्बेट यू प्ले विथ योर ऑर्गन्स. आप अपने इंटरनल प्राइवेट ऑर्गन्स को एक्सप्लोर कर पाते हो, आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को समझ पाते हो कि आपको क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं, क्या चीज़ें से ज़्यादा स्टिमुलेशन हो रहा है, ज़्यादा उत्तेजना पैदा हो रही. तो आप जब उसको एक्सप्लोर कर लेते हो, यू बिकम वेरी कॉन्फिडेंट, कंफर्टेबल एंड यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ. आपको खुद को लेकर के भी अच्छा महसूस होता है एंड ये चीज़ें आप अपने पार्टनर से भी शेयर. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब हम धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं, स्पेशली जब मेनोपॉज अचीव कर लेती हैं महिलाएं, तो कई बार ऐसा होता है कि ड्राइनेस ऑफ वेजीना हो जाता है. वेजीना काफ़ी ड्राई हो जाती है, वेजीना के आसपास की जो मसल्स हैं वो नैरो होने लगती हैं, एंड कई बार लेडीज़ को पार्टनर के साथ सेक्स करने में जलन महसूस होती है, दर्द होता है, वो काफ़ी पेनफुल सेक्स हो जाता है. तो इस तरीके से अगर आप वो इन्जॉय नहीं कर सकते, देन यू कैन मैस्टर्बेट एंड यू कैन इन्जॉय योर सेक्सुअल लाइफ एंड दिस नथिंग बैड इन इट. हाँ, ये ज़रूर याद रखें कि ज़रूरी नहीं है कि हर मैस्टर्बेशन में ऑर्गेज्म या चरमोत्कर्ष पे पहुंचा जाए. कभी कभार बिना उसके भी आपको रिलैक्स मिलता है, आप रिलीव होती हैं, आपका स्ट्रेस दूर होता है, एंड दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल. तो इसको लेकर के कभी टेंशन नहीं होना चाहिए कि हम मैस्टर्बेट कर रहे हैं तो हमें क्लाइमेक्स पे पहुँचना ही है. ज़रूरी नहीं है. अब बात आती है फीमेल मैस्टर्बेशन में फ़ीमेल्स क्या पसंद करती हैं. बहुत सी महिलाएं सिंपली अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करती हैं टू स्टिमुलेट द क्लाइटोरिस और फॉर पेनिट्रेशन. और बहुत सी औरतें सेक्स टॉयज़ यूज़ करती हैं, वो भी नॉर्मल प्रक्रिया है. और सेक्स टॉयज़ इंडियन मार्केट में ईजिली ऑफलाइन नहीं मिल सकते, बट ऑनलाइन ईजिली मिल जाते हैं, आप उनका इस्तेमाल करिए. अगर आप प्रिकॉशन लेना चाहते हैं कि आपको फर्दर उससे कोई वेजिनल इन्फेक्शन ना हो, तो डेफिनेटली आप कॉन्डोम यूज़ कर सकते हैं. मगर ये जो वाइब्रेटर्स होते हैं ये सेफ होते हैं और बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स के साथ आते हैं, और इनका कंट्रोल बटन हमेशा आपके पास होता है, तो इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं. और अगर आप ये यूज़ भी करती हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी जो वेजिनल डायलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी या उसकी इलास्टिसिटी कुछ हैम्पर हो जाएगी. ये सारे भ्रम हैं जो ऐसे कभी नहीं होता. और लास्टली आई वॉन्ट टू कंक्लूड कि फीमेल मैस्टर्बेशन महिलाओं के बीच उतना ही नॉर्मल है जितना पुरुषों के बीच में. और इससे जुड़ा हुआ कोई भी भ्रम अगर आपको सुनाई पड़े, डू लेट अस नो. और ऐसी कोई भी बातों पर विश्वास ना करें कि इससे आपकी वजीना को चोट पहुंचेगी या इस हरकत से शायद आप कभी भविष्य में माँ ना बन पाएँ या शायद आप सेक्सुअल लाइफ को अच्छे से इन्जॉय ना कर दें. बल्कि इसके उल्टे, डेफिनेटली आपका सेक्सुअल प्लेजर भी इंक्रीज़ होगा, सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ेगी और आपकी सेक्स लाइफ भी अच्छी होगी. सो अगर इसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो आप हमसे पर्सनली शेयर करना चाहते हैं, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. वील गिव यू ईमेल आईडी एंड यू कैन टॉक टू अस, यू कैन डिस्कस योर थिंग्स. डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल. टेक केयर, बाय बाय.